बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस वे स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमने ऑक्सफर्ड प्राइमरी साइंस क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर टू स्टडी करना है। यूनिट नंबर टू का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज। एंड स्टूडेंट्स, दिस वन इज द लेक्चर नंबर टू ऑफ यूनिट टू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर वन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी टाइप्स को डिटेल से स्टडी किया। अब हमने ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह ह्यूमन बॉडी में जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं। क्लियर? देयर आर मेनी डिजीजेस व्हिच मेक्स अस इल। सम डिजीजेस आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस दैट इट नीड्स। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। बेटे, हेल्दी बॉडी में जब कोई डिजीज नहीं होती तो उस बॉडी को हम हेल्दी बॉडी कहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जब एक बॉडी में डिजीजेस कॉज हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या डिफरेंट जर्म्स की वजह से, तो बॉडी जो है वो हेल्दी बॉडी नहीं कहलाती। उस टाइम पे जो बॉडी है आपकी वो इल कहलाएगी, यानी कि बीमार हो जाती है ह्यूमन बॉडी। तो डिफरेंट डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को इल कर देती हैं। उन डिजीजेज में सम डिजीजेज बच्चे ऐसी होती हैं जो कि मिनरल्स और विटामिंस की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को। जब ह्यूमन बॉडी को करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स और विटामिंस नहीं मिलते जो कि बॉडी की जरूरत होती है, उस टाइम पे बेटे जो बॉडी में डिजीजेस कॉज होती हैं उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्लियर? जो मिनरल्स और विटामिंस की कमी की वजह से यानी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं उन डिजीजेस को क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। Some diseases are caused because of part of the body stops working properly. बेटे, deficiency diseases के अलावा हमारी body में जो diseases cause होती हैं वो किस वजह से होती हैं? क्योंकि एक organ जो है वो कोई भी organ हो सकता है body का, वो properly work करना छोड़ देता है। Clear? और कौन से organ हो सकते हैं बेटे? Heart भी हो सकता है, इसके अलावा liver, kidneys। अगर आपकी body में जो kidneys हैं human body में वो properly work नहीं कर रही तो बेटे kidney failure हो जाएगा और different diseases जो हैं वो kidney से related human body में हो जाएंगी। Clear? तो वो diseases, उनमें कौन कौन से organs जो हैं वो affect हो सकते हैं? Such diseases affect the liver, heart, kidneys और other organs of the body। तो बेटे जो ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली, उनमें लीवर, हार्ट, किडनी और अदर ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो सब इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? डू यू नो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियम। बेटे, बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अगर हम सिंगल बैक्टीरियम को देखेंगे तो वो सिंगल को हम बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियम। इसी तरह से जो हमने अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े जिसमें प्रोटोजोआ हैं, तो प्रोटोजोआ बेटे प्लूरल फॉर्म है। अगर हमने सिंगुलर फॉर्म पढ़नी है, एस सिंगल प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोन। सिंगुलर फॉर्म जो होगी प्रोटोजोआ की वो क्या होगी? प्रोटोजोन। इसी तरह से फंगस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंजाई। फंजाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है और उसकी सिंगुलर फॉर्म होगी फंगस। दीज एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेटे, ऐसी डिजीजेज जो कि जिसमें ही बॉडी की कोई ऑर्गन जो है या कोई बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या इसके अलावा अगर बॉडी में कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो गई है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, वो डिजीजेज जो हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होती। मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। इन डिजीजेज को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये बेटे नाम से ही जाहिर है, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि ऐसी डिजीजेज दैट आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्लियर हो गया? डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड। बेटे, हमें पता है कि डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं वो विटामिंस और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं, तो ऐसी डेफिशिएंसीज को हम किस तरह से जो है वो कवर अप कर सकते हैं? हम जो है वो प्रॉपर फूड ईट करें जिसके अंदर जो है विटामिंस और मिनरल्स की प्रॉपर क्वांटिटी प्रेजेंट है। अगर हम ऐसी फूड ईट कर रहे हैं तो उससे जो है बॉडी में विटामिंस और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कवर अप हो सकती है और ये डिजीजेस भी जो है वो कवर अप हो जाएंगी और बॉडी जो है वो हेल्दी बॉडी कहलाने लग जाएगी। क्लियर? अगर हम विटामिन ए की बात करें तो बेटे फिश, एग्स एंड कैरेट्स, दीज फूड्स कंटेन विटामिन ए। अगर किसी पर्सन को जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज है तो वो ये फूड्स जो है वो ईट करके उस डेफिशिएंसी को कवर अप कर सकता है। इसी तरह से विटामिन बी, जिसके अंदर ब्रेड, एग्स, मीट एंड सीरियल्स, विटामिन सी में फ्रूट्स आ जाते हैं, विटामिन डी में बेटे सन। सन किस तरह से विटामिन डी प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाने लग जाती है अगर हम जो है अपनी बॉडी को एक्सपोज करें सन में। क्लियर? अगर आप सनलाइट में बैठ जाएं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है।
क्लियर। इसी तरह से चीज एंड एग्स एंड मिल्क, दीज आर द फूड्स दैट हेल्प यू टू मेक विटामिन डी इन योर बॉडी। इसी तरह से विटामिन ई, बेटे ये ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, इस तरह से जो नट्स होते हैं वो उनमें विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप विटामिन ई की डेफिशिएंसी को कैसे आपकी बॉडी कवर कर सकती है, इन फूड्स को अगर आप ईट कर लेते हो तो आपकी डेफिशिएंसी जो है विटामिन ई की बॉडी में तो वो कवर अप हो जाती है। इसी तरह से विटामिन के जो है बेटे वो डिफरेंट वेजिटेबल्स में होता है, अगर ये वेजिटेबल्स ईट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। क्लियर। इस तरह से ये सब फूड्स, मतलब अगर बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है, इन फूड्स को जो है वो ईट करके विटामिन ए बी सी डी एंड ई एंड के, ये वाले सब विटामिंस की जो डेफिशिएंसी है वो इन फूड्स की वजह से क्लियर अप हो सकती है। क्लियर हो गया? तो ये पता समझ लग गई आपको कि डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरह से हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेटे नेक्स्ट है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब कि नेम से ही जाहिर है कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि ऐसी डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाती हैं। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जो डिजीजेस कॉज करते हैं उनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं और वो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। बेटे मैंने आपको बोला कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपकी बॉडी में एंटर होते हैं उनकी वजह से कॉज होती हैं और वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होते हैं, ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एंटर होंगे, हमने अब ये स्टडी करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीद, ईट और ड्रिंक। बेटे मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने आपकी बॉडी के अंदर एंटर ऐसे होना है कि जब ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग होती है, ऑफकोर्स वो नोज की वजह से होती है। तो नोज के थ्रू जब ब्रीदिंग हो रही होगी तो जो एयर में बैक्टीरिया या वायरसेस होंगे या डिफरेंट टाइप के जर्म्स होंगे वो नोज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह से जब ईटिंग जब हम करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं वो माउथ के थ्रू होती है। तो अगर हम कोई स्पॉइल्ड फूड ईट कर रहे हैं जो कि जर्म्स वाली हैं या वो अनकवर्ड है, या हम जो है वो डर्टी वाटर ड्रिंक कर लेंगे तो उस से भी हमारे माउथ के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर हो जाएंगे। इसकी डिटेल हम बेटे नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है वो ईटिंग और ड्रिंकिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस के लिए। डिजीजेस आर ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। बेटे मोस्टली डिजीजेस जब स्प्रेड होनी है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए वो कैसे होंगी, कफिंग के थ्रू यानी खांसने से, स्पिटिंग और स्नीजिंग यानी छींकने से। तो मोस्टली डिजीजेस जैसे कि कफिंग जो है वो कॉज करेगी, कफिंग एक पर्सन को अगर हो रही है तो अगर उसके इर्द गिर्द जो दूसरे पर्सन हैं वो हेल्दी हैं तो उसकी कफिंग की वजह से या स्नीजिंग स्पिटिंग की वजह से दूसरे पर्सन को भी जो है वो डिजीज कॉज हो सकती है। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। बेटे मोस्टली जो कॉमन कोल्ड ठंड लग जाती है या इसके अलावा जो कफिंग हो रही होती है या इस फ्लू हो जाता है वो मोस्टली किसकी वजह से होता है बेटे, ऐसे ही होता है। क्लियर। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से स्प्रेड हो रहा होता है। दीज डिजीजेस आर पास्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और अ स्नीज। बेटे एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी कफिंग या फ्लू हुआ है या डिफरेंट मीजल्स या और अदर डिजीजेस हुई हैं तो जो दूसरे पर्सन जो कि हेल्दी पर्सन है उसको किस तरह से उसको एयर के थ्रू पास आउट होगी वो डिजीज, जब इन्फेक्टेड पर्सन या तो कफ करेगा या स्नीज करेगा तो उस टाइम पे एक हेल्दी पर्सन को भी एयर के थ्रू जो है वो जर्म्स उस पर्सन में भी इनहेल हो जाएंगे और इनहेलिंग के जरिए जो है वो उस पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे और इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा। क्लियर। सम डिजीजेस आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बेटे कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए जो है वो आपकी बॉडी में जो है हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। वो कैसे एंटर होते हैं, दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अगर आपकी स्किन में कोई कट है तो आपने उसको अनकवर रखा है, उसके ऊपर बैंडेज नहीं की है, उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो उस कट में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर। वो इन्फेक्शन कैसे होता है, क्योंकि उस एरिया पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो जर्म्स है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ पे रिजाइड करते हैं और उस जर्म को जो है वो एक तो इन्फेक्शियस कर देते हैं और जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर डिजीजेस भी कॉज कर देते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से डिजीजेज जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के जरिए भी आपकी बॉडी में हो सकती हैं। क्लियर।
इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीजेस टू ह्यूमंस। बेटे ह्यूमन बॉडी में जो डिजीजेस हैं वो इंसेक्ट्स की वजह से भी होती हैं, और सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंसेक्ट्स की वजह से होने वाले डिजीज में है मलेरिया, दैट इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। क्लियर? इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। बेटे इंसेक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल जर्म्स ह्यूमन बॉडी में किस तरह से पास ऑन करते हैं कि वो अगर ह्यूमन बॉडी को बाइट कर लेते हैं किसी भी एरिया को, जैसे आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं ये मॉस्किटो है एंड दिस मॉस्किटो इज बाइटिंग द ह्यूमन स्किन। तो अगर वो ह्यूमन स्किन को बाइट करता है तो अपनी बॉडी के जो जर्म्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। किस तरह से ट्रांसफर करता है? मोस्टली मैं मॉस्किटो की बात कर रही हूँ, इंसेक्ट में मॉस्किटो की बात कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल मॉस्किटो की है कि इसने अपनी बॉडी के थ्रू ह्यूमन बॉडी को बाइट करना है, अपनी बॉडी में जो जर्म्स होंगे वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देनी है अपनी बॉडी में से। क्लियर? और ह्यूमन बॉडी में से ब्लड की फीडिंग लेनी है। क्लियर? मतलब उसने ब्लड को एज अ फूड लेना है और साथ में इन टर्न ह्यूमन बॉडी को जर्म्स दे देने हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज जो हैं वो कॉज होती हैं। वो हम देखते हैं कि वो कौन सी डिजीजेज हैं। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। बेटे फीमेल मॉस्किटो जब ह्यूमन बॉडी में बाइटिंग करती है अपनी, एक तो ब्लड लेने के लिए और उसके अलावा ब्लड की तो वो उसने चलो एज अ फूड ब्लड ले लिया ह्यूमन बॉडी को, लेकिन इन टर्न वो जर्म्स, ऐसे जर्म्स दे देती है ह्यूमन बॉडी में जो कि मलेरिया कॉज कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स येलो फीवर, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। बेटे इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज हैं जिनके आप ये नेम पढ़ रहे हैं, येलो फीवर जिसमें आ जाता है, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस, बेटे ये ऐसी डिजीजेज हैं जो कि मॉस्किटोज के साथ साथ डिफरेंट अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स की वजह से भी होती हैं। और वो इंसेक्ट्स कौन से हैं? फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। बेटे ये सब इंसेक्ट्स ह्यूमन बॉडी में जो है ये डिफरेंट टाइप की डिजीजेज कॉज करते हैं, एंड दीज डिजीजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स। बेटे पहले हमने पढ़ा कि इंसेक्ट्स किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं, अब हमने देखना है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स हैं वो कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल द हुक वर्म, हुक वर्म लार्वे बेटे जो है वो एक टाइप ऑफ वर्म है दैट कैन बर्रो थ्रू ह्यूमन स्किन। जिस तरह से ह्यूमन स्किन को मॉस्किटो बाइट करता है इसी तरह से हुक वर्म लार्वे होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो है माउथ पे एज अ हुक जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन स्किन के अंदर बरो कर लेता है उसको। वंस इट इज अंडर द स्किन, और जब वो हुक की तरह, जैसे एक हुक किसी चीज को बरो कर लेती है इसी तरह से ह्यूमन स्किन को जो है वो हुकवर्म का जो लार्वे है, यानी कि जो हुकवर्म से जो एक स्टेज पीछे होती है वो अडल्ट लार्वा, अडल्ट हुकवर्म नहीं होता। क्लियर? तो वो स्किन के अंदर जो है वो अंडर स्किन के अंदर उसको बरो कर लेगा। इट कैन गेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम, बेटे वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है अपनी हुक को घुसा लेता है और क्या करता है वहां से ब्लड को एज अ फूड कंज्यूम करता है। इट इज देन कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड। तो फिर क्या होता है कि उसके जो जर्म्स होते हैं हुक वर्म जो जर्म्स इंजेक्ट करेगा, और इसके अलावा उसकी जो इवन वो ऐसे भी हो सकता है कि वो ब्लड को एज अ फूड कंज्यूम करे और अपनी हुक जो है वो वहीं पे छोड़ दे या अपने बॉडी पार्ट्स को उधर छोड़ दे। तो उसके जो है वो इट इज देन कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट, तो वो जो अपनी हुक है बेटे या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो आपके ब्लड में या आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है वो उसको कैरी कर लेगा। तो क्या होगा कि एक तो उसने फूड एज अ फूड कंज्यूम किया आपके ब्लड को हुकवर्म ने और अपने बॉडी पार्ट्स भी उधर छोड़ दिए। क्लियर? तो इससे भी इंफेक्शन कॉज हो सकता है आपकी बॉडी में। सम डिजीजेस कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। बेटे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर के थ्रू भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। हमने एयर में डिजीज पढ़ी कि एयर के थ्रू जो है वो डिफरेंट जर्म्स आपकी बॉडी में जो है वो चले जाते हैं जब आप इनहेल करते हो एयर को, ठीक है, तो उससे भी आपकी बॉडी में जर्म्स चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में जर्म्स कैसे जाएंगे बेटे? थ्रू इन्फेक्टेड फूड, जब आप इन्फेक्टेड फूड ईट करते हैं एंड वाटर। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स। बेटे ऐसी फूड्स के अंदर जहाँ जिसमें बैक्टीरिया होते हैं तो उससे क्या हो जाती है बेटे? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और क्यों फूड में बैक्टीरिया होते हैं? बिकॉज दीज आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। बेटे ऐसी फूड्स जिनको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया होता या उनको प्रॉपरली कुक नहीं किया होता, उन फूड्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो जमा हो जाते हैं, और वो अगर आप ऐसी फूड कंज्यूम कर लेते हो, उसको खा लेते हो, तो वो फूड आपको आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज कॉज करती है? फूड पॉइजनिंग। क्लियर? फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। क्लियर? बेटे यहाँ पे देखें,
व्हेन द फूड इज लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, बेटे जब फूड जो है अगर आप उसको ईट नहीं कर रहे हो और वो उसको ओपनली आपने छोड़ दिया है, उसको कवर भी नहीं किया हुआ, फूड अनकवर्ड है, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट. बेटे डिफरेंट टाइप के जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो इस फूड के ऊपर जो है वो आ सकते हैं. द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड, और जब जर्म्स को ये फूड इस तरह से मिल जाती है अनकवर्ड तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट ब्रीडिंग, मतलब कि दे मल्टीप्लाई इन नंबर्स, तो फूड जो है वो स्पॉयल होने लग जाती है. तो क्या हुआ, अगर ये कोई भी ह्यूमन है वो इस इन्फेक्टेड फूड को ईट कर लेगा तो उसकी बॉडी में जो है वो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस कॉज हो जाएंगी और उसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है. क्लियर? थ्रू इन्फेक्टेड फूड, मतलब कि उसने फूड को कंज्यूम किया तो उसको जो डिजीज हुई वो किसकी वजह से हुई बेटे, थ्रू इन्फेक्टेड फूड. और वो फूड किस वजह से इन्फेक्टेड था, जर्म्स की वजह से. और उन जर्म्स में कौन से आ जाते हैं जर्म्स बच्चे, बैक्टीरिया और फंजाई. इसके अलावा बेटे जो वाटर की वजह से डिजीजेज होती हैं वो हैं कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ठीक है, तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड वाटर है वो डर्टी वाटर है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाटर जो था वो अनकवर्ड था या वो फिल्टर्ड नहीं था, तो उस टाइम पे अगर वो वाटर आप कंज्यूम कर लेते हो, उसको ड्रिंक कर लेते हो, तो वो वाटर भी आपको डिजीजेज कॉज कर लेता है. क्लियर? तो ये ह्यूमन अगर ये इन्फेक्टेड वाटर ड्रिंक कर लेता है तो क्या होगा, उसको डिजीजेज हो जाएंगी. कौन सी डिजीजेज होंगी, कॉलरा एंड टाइफाइड. जर्म्स इन फूड, जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड. बेटे जो जर्म्स हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्टेन कंडीशंस यानी कि खास किस्म की कंडीशंस चाहिए होती हैं कि वो मल्टीप्लाई कर सकें, ब्रीड कर सकें. क्लियर? तो जर्म्स को जब वो सर्टेन कंडीशंस मिलती हैं तो दे मल्टीप्लाई वेरी फास्टली और उनकी जो है वो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया पे. तो बेटे जो सर्टेन कंडीशंस है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, कि जर्म्स को जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए. इसके अलावा उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है. तो जब कोई भी फूड अनकवर्ड होगा तो या कुक्ड प्रॉपरली नहीं होगा तो उसमें जर्म्स जो हैं वो बहुत रैपिडली ब्रीडिंग कर सकेंगे यानी मल्टीप्लाई नंबर हो जाएंगे. क्लियर? दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ इट इज केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन. बेटे अगर एक फूड बहुत ड्राई है और फ्रोजन है उस टाइम पे जर्म्स जो है वो फूड में ब्रीडिंग नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्टेन कंडीशंस में मॉइस्चर आ जाता है, अगर फूड में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है या वो फ्रीज नहीं है, वो अनकवर्ड है, तो उस टाइम पे जर्म्स जो है वो ब्रीड कर लेंगे. क्लियर? वो है सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड. लेकिन अगर फूड बहुत ड्राई है या वो फ्रोजन है, उसको फ्रीज किया हुआ है, तो उस टाइम पे उसमें जर्म्स जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते. इफ फूड हैज बीन स्टरलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स. बेटे फूड की स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फूड को क्लीन रखना. क्लियर हो गया? तो उस टाइम पे भी स्टरलाइजेशन की वजह से भी फूड जो है इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स. ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे ऑल्सो लीड टू इलनेस. बेटे ऐसी वेजिटेबल्स जो कि फ्रेश हैं, हमें पता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स की ईटिंग बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन अगर वही फ्रेश वेजिटेबल्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया होगा, उसको वॉश नहीं किया होगा, तो अगर वैसे ही आप उसको विदाउट इवन वॉशिंग ईट कर लेते हो तो वो वेजिटेबल्स भी आपको डिजीजेस कॉज कर सकती हैं. बिकॉज अनवॉश्ड वेजिटेबल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिजीजेस बॉडी में कॉज कर सकते हैं. क्लियर? तो वेन एवर यू आर गोइंग टू ईट एनी वेजिटेबल मेक श्योर टू वॉश इट. ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इन टू योर बॉडी. बेटे वही बात आ गई कि अगर आप अनवॉश्ड फूड ईट कर लेते हो या स्पॉइल्ड फूड या अनकवर्ड फूड. स्पॉइल्ड फूड मतलब बहुत देर से अनफ्रीज्ड है वो फूड है, वो फ्रोजन भी नहीं है और वो अनकवर्ड है और बहुत ज़्यादा जो है देर से पड़ी हुई है, तो उस टाइम पर जो फूड है वो स्पॉयल हो जाती है. क्लियर? तो वो अनवॉश्ड हो गई फूड या स्पॉइल्ड फूड है या अनकवर्ड फूड है बेटे, इट इज़ वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स कैन गेट इन योर बॉडी. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेज हैं जब इन वजह से इस ऐसी फूड को कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी में जो जर्म्स हैं बहुत जल्दी जो है वो एंटर हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नंबर होने लग जाते हैं यानी कि वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर हो गया? तो ऑलवेज मेक श्योर टू वॉश योर फूड, डोंट ईट स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड. क्लियर? प्रोसेस्ड फूड्स,
प्रोसेस्ड फूड्स आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और इन टिन्स। बेटे प्रोसेस्ड फूड्स ऐसी होती हैं जिनको या तो टिन्स में उसको सेफ रखा होता है या फिर उनको प्लास्टिक रैप से जो है वो सील किया होता है। जैसे अगर आप ये डायग्राम में भी देखें तो ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें ये फर्स्ट पे अगर कोई बोतल है तो उसको सील किया हुआ है उसके कैप को। इसके अलावा टिन्स हैं या कोई जार है, इसके अलावा कोई भी जो है ये बॉक्स है, मिल्क बॉक्स है, तो ये बेटे ये सील्ड हुए होते हैं बिकॉज टू कीप द फूड सेफ। क्लियर? ताकि फूड जो है वो अनकवर ना हो या फूड जो है वो स्पॉयल ना हो जाए। तो फूड को स्पॉयल होने से बचाने के लिए हम जो है इसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, और ऐसी फूड्स को कहते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। एयर इज केप्ट अवे फ्रॉम द फूड्स। बेटे मोस्टली जो प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं उनसे हम एयर को जो है वो दूर रखते हैं क्योंकि जो हवा की वजह से भी जो है वो जर्म्स फूड के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो दैट्स वाई प्रोसेस्ड फूड में एयर इज केप्ट अवे फ्रॉम दैट। सम फूड्स कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बैड बाई यूज ऑफ द केमिकल्स। बेटे अब प्रोसेस्ड फूड्स में मैंने आपको बताया कि उनको हमने सेफ किस तरह से रखना है, एक तो एयर को अवे रखना है ठीक है फूड से, दूसरा उनको अच्छी तरह से सील कर देना है, उसको प्लास्टिक रैप को अच्छी तरह से सील कर देना है या टिन्स को जो है वो अच्छी तरह से कवर अप कर देना है, इससे प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो सेफ हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसी हैं जिसके अंदर हम ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं बेटे, उन केमिकल्स को कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। वो जो केमिकल्स हैं वो फूड को रोटन होने से बचाती हैं, स्पॉयल होने से बचाती हैं। क्लियर हो गया? तो फूड सम फूड्स कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। क्लियर? कि फूड को स्पॉयल होने से बचाने के लिए हम फूड के अंदर थोड़े से केमिकल्स ऐड करते हैं। बेटे वो केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फूड को स्पॉयल होने से बचाते हैं। क्लियर हो गया? और फूड जो है वो लंबे अरसे तक हम उसको इजिली स्टोर कर सकते हैं टिन्स में। When certain chemicals are added to food, germs cannot breed in it. बेटे जो certain chemicals हैं, जो खास किस्म के chemicals हैं, वो human body पे mostly उनका effect इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन germs जो हैं, जब food के अंदर particular chemicals add हुए होंगे, तो germs ऐसी food में breed नहीं कर सकेंगे। मतलब कि germs जो हैं, अगर enter हो भी गए हैं, तो वो या तो dead हो जाएंगे, या वो breeding नहीं करेंगे, multiply in number नहीं हो सकेंगे। Clear हो गया? Foods that have been packed in a factory usually have chemical preservatives added to them. बेटे ऐसे फूड्स जो कि फैक्ट्रीज में पैक होते हैं, टिन्स में पैक होते हैं, टिन्स में जो भी जो मोस्टली फूड आते हैं उनके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। क्लियर? अगर आप किसी भी टिन फूड को देखें उठा के, तो आप अगर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाएं तो उसके सबसे लास्ट पे लिखा होगा प्रिजर्वेटिव्स एडेड। किसी भी आप जो है वो जूस बॉक्स को देख लें या किसी भी मिल्क बॉक्स पे देख लें, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर साइड पे लिखा होता है प्रिजर्वेटिव्स एडेड। वो प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि फूड में ऐड किए ही जाते हैं ताकि फूड में जो है वो जर्म्स एंटर ना कर सकें, और अगर एंटर हो भी जाएं तो वो ब्रीडिंग ना करें और उसी टाइम पे उनकी डेथ कॉज हो जाए। क्लियर हो गया? इसके अलावा नेक्स्ट बेटे आ जाता है कि मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि मिल्क को हम कैसे बचा सकते हैं स्पॉयल होने से। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पैस्टराइजेशन। बेटे ये वर्ड है पैस्टराइजेशन। तो मिल्क को हमने स्पॉयल होने से कैसे बचाना है, इसको एक प्रोसेस के जरिए बचाना है, और उस प्रोसेस का नेम क्या है, पैस्टराइजेशन। बेटे अब हम पढ़ेंगे कि पैस्टराइजेशन होता क्या है और ये किस तरीके से हम मिल्क को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं। टू पैस्टराइज मिल्क इट इज फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल्ड क्विकली। बेटे मिल्क को पेस्टराइज करने के लिए हम मिल्क को हीट करते हैं। जैसे मोस्टली अगर घरों में भी जो है वो मिल्क आता है तो उसको आप फर्स्ट क्या करते हो, बॉयल करते हो। तो बेटे दैट बॉयलिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेस्टराइजेशन, कि मिल्क को हीट करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फिर उसको कूल कर लेंगे क्विकली। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। और बेटे जब हम जो है वो मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और इसके बाद उसको क्विकली कूल कर लेते हैं, तो जर्म्स जो होते हैं मिल्क के अंदर वो मोस्टली इस प्रोसेस के जरिए किल हो जाते हैं। कीपिंग हेल्दी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस वी हैव टू। बेटे अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को कंटिन्यूअसली हेल्दी रखने के लिए और अपनी बॉडी में जो है वो डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स क्या हैं वो अब हम स्टडी करेंगे। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड वी कैन ऑल्सो कीप अवर बॉडी हेल्दी। क्लियर? रूल नंबर वन इज वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्क्यूलेट। बेटे अपने घर को अच्छी तरह से वेंटिलेट करें ताकि जो फ्रेश एयर है वो आपके हाउस में सर्कुलेट करे, और किसी किस्म के अगर ऑडर्स हैं या जर्म्स हैं तो वो जो है वो फ्रेश एयर से किल भी हो जाते हैं। इवन जो सनलाइट है और जो फ्रेश एयर है इज द मेन सोर्स टू किल द जर्म्स। ठीक है? नेचुरली सनलाइट से या किसी भी चीज़ को अगर हम फ्रेश एयर में रख देते हैं तो उसमें से नेचुरली जर्म्स जो है वो मोस्टली किल हो जाते हैं। क्लियर?
सेकेंड पॉइंट इज एयर क्लोथ्स इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. बेटे अगर आपने कपड़े सुखाने हैं क्लियर, तो जो उनको है हम फ्रेश एयर में अगर एयर करें और सनलाइट में अगर हम उसको रखते हैं तो वो क्या होंगे उसमें से, एक तो वो सूख भी जाएंगे और सेकेंड पॉइंट ये होगा कि सनलाइट की वजह से नेचुरली उसमें से अगर कोई जर्म्स रह गए हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे या वो किल हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट इज कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, अपने फूड और वाटर को अच्छी तरह से कवर करें और उसको क्लीन रखें. इसके अलावा जिन यूटेंसिल्स यानी बर्तनों में आप खुराक ईट कर रहे हो तो उसको भी आप जो है वो साफ रखो. इसी तरह से साफ ग्लास जो है उसमें ही पानी पिएं और कोशिश करें कि पानी भी फिल्टर्ड हो. फोर्थ पॉइंट इज बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन. बेटे मिल्क को बॉयल करें ताकि मिल्क के अंदर कोई जर्म्स अगर हैं मैं या वो रह भी गए हैं तो वो भी किल हो जाएं. तो मिल्क को बॉयल करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली पेस्टराइजेशन, जो हमने पीछे स्टडी किया कि बॉयलिंग मिल्क इज कॉल्ड पेस्टराइजेशन एंड दैट इज फॉर किलिंग द जर्म्स. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स. बेटे अपनी सराउंडिंग्स जिस जगह पे आप रह रहे हो उसको भी क्लीन रखो. और आप उसको कैसे क्लीन रख सकते हो, बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि ऐसे स्प्रेस जो कि इन्फेक्शंस कॉजिंग जर्म्स को किल कर देते हैं. उन स्प्रेस को या उन जो मेडिसिन या पाउडर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स. दे मोस्टली कम इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेस या डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर्स जो कि डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ओवर सराउंडिंग्स. क्लियर. अगर आप ये डायग्राम भी देखें तो इसमें फूड है वो भी कवर्ड है एंड ग्लास ऑफ वाटर इज ऑल्सो कवर्ड एंड दिस बॉय इज ऑल्सो क्लीनिंग अ रोड. अगर कोई उसके पास कोई ट्रैश का कोई भी जो है वो शॉपर है तो उसने उसको ट्रैश कैन में डाला है. इससे भी आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हो. कीपिंग हेल्दी में नेक्स्ट पॉइंट है स्नीज इन टू अ हैंडकरचीफ अ टिश्यू और द क्रुक ऑफ योर एल्बो. बेटे अगर आपने स्नीज करना भी है ठीक है, अगर आपको छींक आ गई है तो अगर आपने स्नीजिंग करनी है तो यू शुड बी स्नीजिंग इन हैंडकरचीफ यानी किसी रुमाल में, अ टिश्यू यानी कि किसी भी टिश्यू में और द क्रुक ऑफ योर एल्बो या बेटे अपनी कुहनी के करीब आप जो है वो अपनी नोज करके तो वहां पे भी स्नीज कर सकते हो. इससे ये होता है कि जो स्नीजिंग से कोई भी म्यूकस आपका अगर आपकी नोज से आ रहा है या किसी किस्म के जर्म्स हैं जो कि स्नीजिंग से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो वो जो है किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे. क्लियर हो गया. इफ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स. बेटे अगर आप सिक हैं या आप ऑलरेडी आपको कोई फ्लू है या कफिंग हो रही है तो अपनी पर्सनल थिंग्स जैसे कि हैंडकरचीफ, टिश्यूज जो कि मोस्टली जो जिस पर्सन को कफिंग हो रही होती है या स्नीजिंग हो रही होती है यूज करते हैं ना वो पर्सन, तो आप अगर आपको ऐसी कोई भी जो है वो डिजीज हो गई है या फ्लू हो गया है तो आप कोशिश करें कि अपनी पर्सनल थिंग्स किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ बल्कि किसी भी पर्सन के साथ शेयर मत करें. क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज गेट ओवर सेल्फ वैक्सीनेटेड. हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को वैक्सीनेट करवा के. क्लियर हो गया. और वैक्सीनेट करवाने का बेहतरीन तरीका बेटे इंजेक्शंस. दीज इंजेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल टू किल ऑल द जर्म्स दैट आर इन ओवर बॉडी और फिर वो हमारी बॉडी को हेल्दी रख देते हैं. अगर ये आप देखें डायग्राम में भी डॉक्टर जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को वैक्सीनेट कर रहा है. इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो जर्म्स हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं वो किल हो जाएंगे और आप हेल्दी हो जाएंगे. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन है स्टूडेंट्स, हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टिंड फूड्स. बेटे जो टिंड फूड्स होती हैं, टिन कैन के अंदर फूड्स प्रिजर्व की होती हैं, उसमें जर्म्स किस तरह से केप्ट आउट रहते हैं यानी कि जर्म्स किस तरह उस फूड से अवे रहते हैं. तो बेटे इसका आंसर है जर्म्स आर केप्ट आउट ऑफ टिंड फूड्स बिकॉज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और इन टिन्स. क्यों जर्म्स बेटे दूर रहते हैं टिन कैन वाले जो फूड्स होते हैं उसमें, बिकॉज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक. ऐसे फूड्स या तो वो प्लास्टिक रैप में सील हुए होते हैं या वो टिन कैंस में होते हैं और इसलिए वो जर्म्स जो है वो उन फूड से अवे रहते हैं. एंड एयर इज केप्ट अवे फ्रॉम द फूड्स और एयर जो है वो भी फूड से दूर रखी जाती है यानी कि वो वैक्यूम में फूड रखा जाता है. क्लियर हो गया. जहां पे एयर नहीं होगी तो एयर के थ्रू भी जर्म्स जाते हैं. जब एयर ही नहीं फूड को टच कर रही या फूड में से नहीं गुजर रही तो जर्म्स भी नहीं जाएंगे उस फूड में. क्लियर. क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज पेस्टराइजेशन. द आंसर इज मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ व्हाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्टराइजेशन. बेटे पेस्टराइजेशन मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका है, मिल्क को सेव करने का तरीका है, मिल्क को जो है वो स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम उसको पेस्टराइज करते हैं. To pasteurize milk is first heated to 60 degrees Celsius and then cooled quickly. बेटे मिल्क को पेस्टराइज करने के लिए मिल्क को फर्स्टली हम क्या करते हैं, हीट करते हैं टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर हम उसको कूल कर लेते हैं क्विकली. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. तो बेटे इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि अगर मिल्क में कोई जर्म्स हैं भी तो वो किल हो जाते हैं.
क्लियर हो गया। और फूड जो है वो फूड जिसमें मिल्क है वो प्रिजर्व हो जाएगा, यानी कि सेफ हो जाएगा और वो जर्म्स से बच जाएगा, स्पॉइल होने से भी बच जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, वट आर द मेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स मेन काइंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आपने उनके नेम बताने हैं। तो हमने 4 डिफरेंट काइंड पढ़ी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, क्लियर हो गया, और हमने उनका नेम जो है वो आंसर में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देर आर 4 मेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटे 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके नेम्स क्या है, दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज आर डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आंसर है, डिजीजेस आर ऑफन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर, कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। स्टूडेंट्स डिजीजेज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जो है वो किस तरह से स्प्रेड आउट होंगी, कैसे फैलेंगी, बेटे थ्रू एयर, हवा के जरिए। अगर हवा में कोई भी जर्म्स हैं, अगर आप उस जर्म्ड एयर को इनहेल कर लेते हो तो उस टाइम पे भी आपको डिजीज हो सकती है। इसके अलावा कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग, बेटे स्नीजिंग की वजह से जो जर्म्स जो हैं वो एयर में आ जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी स्नीजिंग की वजह से या कफिंग की वजह से कोई जर्म्स एयर में आ जाते हैं और उसी एयर में कोई हेल्दी पर्सन भी इनहेल कर रहा है, तो उस टाइम पे भी जो डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है बॉडी में। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी वो इस तरह से डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो ये सारे जो हैं वो तरीके हैं कि इन ये कौन से वेज हैं बेटे, कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग, ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में, हाउ कैन वी स्टॉप डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग। बेटे जो हमने रूल्स पढ़े थे हम इसमें वो आंसर करेंगे कि डिजीजेस को स्प्रेड करने से बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, वी कैन स्टॉप डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू, फर्स्ट वाला रूल है बेटे, गेट ourselves वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स, टू boil milk टू किल germs इट contains। बेटे मिल्क में कोई किसी भी किस्म के जर्म्स हैं उसको किल करने के लिए हम मिल्क को बॉयल करेंगे, यानी पेस्टराइज करेंगे। थर्ड वन इज कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। क्लियर, आपनी फूड और वाटर को वेल कवर्ड रखें और क्लीन रखें। फोर्थ वन, वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्क्यूलेट। फ्रेश एयर की सर्कुलेशन करवाने के लिए अपने हाउस में आपको अपने हाउस को अच्छी तरह से वेंटिलेट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज इफ वी आर सिक डू नॉट शेयर अवर पर्सनल थिंग्स। बेटे अगर हम सिक हैं, हमें किसी किस्म की फ्लू या कफिंग हो रही है या हम स्नीजिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। सिक्स वन इज स्नीज इनटू अ हैंडकरचीफ, अ टिश्यू और द क्रुक ऑफ योर एल्बो। ठीक है, तो बेटे अगर आपने स्नीजिंग करनी भी है तो कोशिश करें हैंडकरचीफ यानी किसी रुमाल में, टिश्यू में या क्रुक ऑफ योर एल्बो में स्नीजिंग करें, ताकि जो जर्म्स हैं वो एयर में ना जाएं और आप इन्फेक्टेड अगर पर्सन हैं तो हेल्दी पर्सन को हम इन्फेक्ट ना कर दें। क्लियर हो गया। तो ये सब रूल्स जो हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचा सकें। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए टर्म है बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बी वन इज माइक्रोस्कोपिक। आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने सबसे पहले बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। There are millions of living things around us that are very tiny. These tiny organisms are called microorganism. बेटे हमारे इर्द गिर्द जो है वो millions of living things ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, जिनको हम easily देख भी नहीं सकते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, These tiny organisms बहुत ज्यादा small organisms होते हैं, they are called microorganisms. Clear? And B term क्या है, microscopic. Some living things are made up of only one cell and are called unicellular organisms. बेटे हमने ये चैप्टर में भी स्टडी किया कि unicellular organisms ऐसे टाइप ऑफ organisms हैं, ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, unicellular, only one cell. ठीक है, तो ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं, unicellular organisms. Most of the unicellular organisms are microscopic. तो बेटे जो मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है, वो क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो हम आम आंख से भी नहीं देख सकते। क्लियर हो गया, इसलिए हम उनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, एक्सरसाइज आ गई है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स। बेटे वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप फूड को जो है वो जर्म्स फ्री कर सकते हो। ए फ्रीजिंग, बी कुकिंग,
सी स्टरलाइजिंग एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स फ्रीजिंग कुकिंग एंड स्टरलाइजिंग ऑल आर द वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. तो ये सारे ऑप्शन ठीक है इसलिए हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे ऑल ऑफ दीज. पार्ट टू है व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट. बेटे फ्लाइज अगर किसी फूड अनकवर्ड फूड के ऊपर आ गई हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो अपनी बॉडी से क्या एंटर कराएंगी कि वो उस फूड को ईट कर लें. ए सॉस नो. बी टीयर्स नहीं जी टीयर्स भी नहीं वो पुट करती. सी सलाइवा एंड डी वाटर. तो बेटे सी ऑप्शन सलाइवा जो है वो फ्लाइज जो है फूड के ऊपर अनकवर्ड फूड के ऊपर पुट करती हैं ताकि वो उसको ईजिली ईट कर सके. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. थर्ड पार्ट है बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर ए योगर्ट बी ब्रेड सी एंटीबायोटिक एंड डी मिल्क. तो बेटे बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर योगर्ट. क्लियर. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स चूज द करेक्ट ऑप्शंस में पार्ट फोर है विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज निमोनिया. तो बेटे कौन से जर्म्स हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं. ए वायरसेस बी बैक्टीरिया सी फंजाई डी प्रोटोजोआ. तो बेटा निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है. फिफ्थ ऑप्शन है मिल्क इज पेस्टराइज एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस. तो बेटे जो मिल्क को पेस्टराइज करने का जो एक प्रॉपर टेम्परेचर है वो क्या है 60 डिग्री सेल्सियस. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स क्वेश्चन नंबर टू है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है फूड्स पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन डैश. तो बेटे फैक्ट्री में अगर कोई भी फूड पैक हो रही है तो वो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव ताकि फूड को आप प्रिजर्व कर सकें सेफ रख सकें फ्री ऑफ जर्म्स रख सकें. क्लियर. सेकेंड स्टेटमेंट इज मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश. तो बेटे मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्टराइजेशन. थर्ड स्टेटमेंट है लिविंग थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिजम्स. तो बेटे ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बन रही हैं उनको हम क्या कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो डैश में क्या आएगा यूनिसेल्यूलर. फोर्थ पार्ट है अ यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट. तो बेटे अ यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज होता है योगर्ट बनाने के लिए. ठीक है. तो योगर्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे अ बैक्टीरिया. तो ब्लैंक में क्या आएगा बैक्टीरिया. फिफ्थ स्टेटमेंट है अ मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल डैश. तो मशरूम जो है बेटे एक एडिबल फंजाई की एग्जाम्पल है. तो डैश में क्या आएगा फंजाई. क्लियर. स्टूडेंट्स जो है आपने अपनी बुक पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी. स्पेलिंग एज इट इज आपने नोट करनी है. क्लियर. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स क्वेश्चन नंबर थ्री है मार्क दिस स्टेटमेंट्स विद टिक और क्रॉस. स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट ट्रू होगी आप उसके सामने टिक लगा देंगे और जो फॉल्स होगी यानी गलत होगी तो आप उसके आगे क्रॉस लगा देंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है इन्फेक्शन कैन नॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वर्म्स. बेटे इन्फेक्शन चाहे स्मॉल वर्म्स हैं या लार्ज वर्म्स हैं कोई भी वर्म है उसने इन्फेक्शन कॉज करना ही करना है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे. वर्म्स हमेशा इन्फेक्शन कॉज करते हैं चाहे वो स्मॉल हैं या लार्ज हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई आपने क्रॉस लगा दिया. सेकेंड स्टेटमेंट है जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्टराइजेशन. जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे और उसको पेस्टराइज करते हैं तो उसमें से जर्म्स किल हो जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है पेस्टराइजेशन में जर्म्स किल होते हैं आप इसके आगे टिक लगा दें. थर्ड स्टेटमेंट है इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस. बेटे इन्फ्लुएंजा एक ऐसी वायरल डिजीज है जो कि वायरस के जरिए कॉज होती है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है इसके आगे आप टिक लगा दें ट्रू. फोर्थ टाइप ऑफ स्टेटमेंट है ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. बेटे सब टाइप ऑफ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं नहीं. हमने पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूजफुल भी होते हैं जो कि योगर्ट चीज और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं. तो क्या हुआ कि ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल ये स्टेटमेंट गलत है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल भी होते हैं यूजफुल भी होते हैं इसलिए हम इसके आगे क्रॉस लगा देंगे. फिफ्थ टाइप ऑफ स्टेटमेंट है द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. यस आपकी बॉडी जो है वो सनलाइट से विटामिन डी गेट करती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आप इसको ट्रू कह देंगे टिक लगा दें.
इसके साथ स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने यूनिट नंबर 2 के लेक्चर 1 और 2 अच्छी तरह से सुना होगा और उसको आपने अब उसको अच्छी तरह से रीड भी करना है, स्टडी करना है, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अच्छी तरह से लर्न करके उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? बेस्ट ऑफ लक।